आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। न्यूज हलचल इंडिया के माध्यम से पिछले दिनों उठाई गई खबर का हुआ असर। धार जिले के धर्मपुरी तहसील में ओमकारेश्वर परियोजना के तहत नहर पर बना हुआ पुलिया मात्र 3-4 साल में ही क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें से सीमेंट कॉन्क्रीट पूरी तरह से उखड़ गया था और सरिये बाहर निकलकर भ्रष्टाचार का खुलेआम बखान कर रहे थे। यही नहीं, इस रोड से होकर अनेक गांव के लोग गुजरते थे, यहां से भारी वाहनों का भी आवागमन होता था, जिससे कोई बड़ी घटना होने का अंदेशा बना हुआ था। इस खबर को न्यूज हलचल इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर आज साफ देखने को मिल रहा है। उक्त पुलिया को फिर से मरम्मत करने का काम प्रारंभ हो चुका है। इस बात के लिए ग्रामीणों ने न्यूज हलचल इंडिया का धन्यवाद अदा किया। इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के धर्मपुरी तहसील में, जो कि यहाँ पर NVDC की जो नहर निकली हुई है उसमें यहाँ पर ब्रिज जो सरिये निकल आए थे ब्रिज में, उसका काम आज स्टार्ट चालू कर दिया गया है और न्यूज़ का असर यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और हम यहाँ के स्थानीय निवासी, जो ग्राम के निवासी हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनसे कि आपको कैसा लग रहा है। जब न्यूज़ चैनल न्यूज हलचल इंडिया के माध्यम से आज आवाज़ उठी थी, इस संबंध में हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। धार से दीपक शिंदे की रिपोर्ट। दीपक उपाध्याय, आदिवासी भील समाज संगठन। ये जो ब्रिज का काम चालू हो गया है, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो न्यूज हलचल इंडिया की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मामले को, जो पुल रिपेयर का मामला था, इसको दबंग तरीके से उठाया। और यहाँ के जो स्थानीय शासन और प्रशासन के जो लोग कुंभकर्ण का जो रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, उनको भी आज पता चल गया है कि ये जो भ्रष्टाचार और यहाँ पे जो पूरी तरीके से पुल अस्त व्यस्त था, उसको आज रिपेयर उनको करना ही पड़ा। और सेकंड नंबर पे जो हमारे ग्रामीण गांव के जो नागरिक हैं, जो हमारे पड़ोसी गांव के और कचवानिया पंचायत के और फिर हमारे जो टांडा ढापला के और भिलाला ढापला के जितने भी साथी हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया इस चीज़ में। और आदिवासी भील समाज संगठन के साथ में जयस और भीम आर्मी के भी जितने भी हमारे सामाजिक लड़के हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की इस मामले में, जो आज ये पुल रिपेयर हो रहा है। जी हाँ, हमें बहुत खुशी हुई कि आज जो पहले लोगों के यहाँ पर आए दिन हादसे होते थे, कम से कम सैकड़ों ही हादसे हो गए जिनमें किसी के हाथ पैर टूट गए थे, बट अब वो हादसा नहीं होगा, इससे लोगों की जान भी बच सकती है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।